सो so, जितने भी डाउट्स हैं आपके जितने भी कंफ्यूजन है माइंड में वो हम आपका क्लियर करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में और साथ ही साथ ये आपको श्योर sure करना चाहते हैं आपको श्योरिटी देना चाहते हैं कि आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू प्ले लिस्ट फॉर यू स्पेशली बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन मीन्स अगर आप हमारी इस प्ले लिस्ट को कंटिन्यू एक से डेढ़ महीने तक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली विद इन वन एंड हाफ मंथ विद इन टू मंथ यू विल बी आर सर्टिफाइड ऑफ एडब्ल्यू एस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल So, guys, this is uh, uh, Teach Me Cloud, and I'm Manjit Rawat, your online instructor. Uh, basically, I'm planning to give you the complete information related to the AWS Solution Architect Associate. And also, I'll help you how you can move yourself from system administrator to uh, cloud architect. सो एज़ वी नो दैट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इन केस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉसिबिलिटी बनती है कि हम सर्वर को मैनेज करें यू हैव आईडी अबाउट एक्टिव आइटी यू हैव आइडी अबाउट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्किंग का आइडिया है आपको डेस्कटॉप टूबल शूटिंग आती है आपको स्टोरेज का पार्ट है थोड़ा बहुत वर्चुअलाइजेशन का भी आइडिया है अगर आपको नेटवर्किंग स्टोरेज सर्वर और थोड़ा बहुत वर्चुलाइजेशन का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन को क्रैक कर सकते हैं सर्टिफिकेशन आर ए, ए, ए डब्ल्यू सोलूशन आर्किटेक्ट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है क्या क्या मटेरियल लगेगा पास करने में वो सारी चीज़ें हम आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में प्रोवाइड करने वाले हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेरी क्रीडिट की हमने बात की प्रेरी क्रीडिट के केस में आपके पास एटलीस्ट कंप्यूटर की मीन्स कंप्यूटर इन द सेंस सर्वर की नेटवर्किंग की स्टोरेज की एंड डेस्कटॉप टॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए राइट right? और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है कहाँ से आपको सैम्पल पेपर एग्जाम के डाउनलोड करने हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देंगे आप डायरेक्टली वहाँ से पी डी एफ डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को तैयार करिए विदिन वन एंड अ हाफ मंथ हम आप अपने सर्टिफिकेशन को शेयर करिए हमारे साथ एंड डेफिनेटली आई हेल्प यू एवरी टाइम आई हेल्प यू एवरी डे टू क्लियर योर ई डब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन फाइन सो लेट्स स्टार्ट कैसे हम तैयार करते हैं ये ए का पोर्टल है ये इस पर हम आते हैं बाद में पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट की तैयारी करनी पड़ेगी कहाँ से स्टार्टअप करना है किसी की भी मत सुनो आप केवल ये फॉलो करते जाइए क्योंकि हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट निकालने वाले हैं जो कंटेंट आपके एग्जाम में आएंगे उनके बारे में बात करेंगे कोई क्या कहता है क्लिनिक्स आए तभी आप एडब्ल्यू कर पाएंगे या ऑटोमेशन आए तभी आप ए कर पाएंगे सब कुछ भूल जाइए आप प्रिपरेशन करिए वन एंड हाफ मंथ एंड विद इन वन एंड हाफ मंथ आप चेंजेस देखेंगे अपने आप में किस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडब्ल्यू का एग्जाम कितना ज्यादा आसान है सबसे पहले हम आपको गाइड कर देते हैं कि कॉन्टेंट क्या होगा सर्टिफिकेशन की नाम की बात करें तो एडब्ल्यू एस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एस ए सी जीरो टू वर्जन टू है इस वजह से सी जीरो टू और एस ए ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का हम एग्जाम क्लियर करने वाले हैं बात करते हैं कंटेंट की क्या क्या कंटेंट हमें आने चाहिए तो इसको बेसिकली चार डोमेन में कैटेगराइज किया गया है तैयारी करने के लिए ए एग्जाम के लिए एसोसिएट एग्जाम के लिए चार डोमेन में कैटेगराइज किया गया है डोमेन वन डोमेन टू डोमेन थ्री एंड डोमेन फोर डोमेन वन टू थ्री क्या है बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द कंटेंट ये सभी कंटेंट आपको ए के पोर्टल पे मिल जाएंगे आसानी से बस हमें फाइंड करना रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है आई गाइड यू पहला है डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो इस को रिलेटेड टू द थेरेटिकल पार्ट जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है आप उसको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं है डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्ट के केस में यू नो दैट इट्स अ काइंड ऑफ टोपोलॉजी उस टोपोलॉजी की हेल्प से जिसकी मदद से आप अपने इन्वामेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं कि सर्वर कहाँ पर रखना है स्विच कहाँ पे लगानी है वाईफाई रूटर कहाँ रखना है फायरवॉल कहाँ पर कनेक्ट करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन में कंसिडर किया जाता है और इस पर्टिकुलर डोमेन की हेल्प से आप थर्टी परसेंट मार्क थर्टी परसेंट मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है डिज़ाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्ट हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्ट में क्या चीज़ें आएंगी बैकअप से रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी सिक्योरिटी रहेगी इस केस में फेल ओवर आपको मैनेज करना पड़ेगा ए है तो रिलेटेड टू द ऑटो स्केलिंग आपको मैनेज करनी पड़ेगी मीन्स आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से अच्छे से मैनेज करते हैं वो सारी डिटेल्स आपको डोमेन टू में यानी ट्वेंटी एट परसेंट फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ये डोमेन हेल्प करने वाला है थर्ड है सिक्योर एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर जिस केस में हम बातें करेंगे रिलेटेड टू द कंप्यूट स्टोरेज डेटाबेस सर्विसेज एक्टिव डाइक्टी सर्विसेज ये सभी पार्ट हमारा थर्ड में आएगा फोर्थ की बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टोमाइजेशन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टोमाइजेशन के केस में यू शुड नो अबाउट कि कैलकुलेटर ए का कैलकुलेटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट किसी भी पर्टिकुलर ए सर्विस की कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है ये सारा पार्ट हम डिस्कस कर, करेंगे डोमेन फोर में नाउ टॉक अबाउट कोर टेक्नोलॉजी कोर टेक्नोलॉजी इन द सेंस जो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं एग्जाम की तैयारी के भी लिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो हमें आनी चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंसन किया गया है कंप्यूट कॉस्ट मैनेजमेंट डेटा बेस डिजास्टर रिकवरी हाई अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस सो बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे ए डब्ल्यू एस फीचर एंड सर्विसेज के केस में लाइक like एज दीज आल आर द टूल कैन हेल्प यू टू एनालाइज द सर्विसेज ये एनालिटिक टूल हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन एनालिटिक टूल के जरिए किस तरीके से आप मॉनिटर करते हैं सर्विसेज को किस तरीके से आप उनको अनालइज़ करते हैं लॉक्स कैसे निकालते हैं ये सभी आपका एनालिटिक टूल्स में आएगा एंड अनदर ऑप्शन इज ई डब्ल्यू एस बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एज पर द नेम सजेस्ट जिसमें बजट डिसाइड करना और कॉस्ट को एक्सप्लोर करना बजट डिसाइड करना है इन द सेंस कि अगर आप कोई सर्विस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसका बजट कितना होना चाहिए और प्लस कॉस्ट एक्सप्लोर करना कि किस पर्टिकुलर सर्विस का कितना चार्ज जा रहा है कितना चार्ज ए डब्ल्यू एस हमसे कर रहा है उसको रेट करना और सही तरीके से उसको अपने क्लाइंट को समझाना नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें दोज एप्लीकेशन कैन हेल्प यू इन केस ऑफ ए डब्ल्यू एस पोर्टल मैनेजमेंट जो एस एन एस है एन एस क्यू एस एस एन एस इज अ टाइप ऑफ सर्विस जो कि सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से जाना जाता जाता है एस एन एस कैन हेल्प यू टू नोटिफाई इट्स अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सर्विस जिसकी हेल्प से आप किसी भी सर्विस में अलर्ट लगा सकते हैं और आप अपने मोबाइल पे या अपने मेल आई डी पर उसका अलर्ट एक्सेस कर सकते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अलर्ट रिलेटेड टू सी पी ओ आर रैम ऑप्टोमाइजेशन अलर्ट मीन्स हर एक तरीके का अलर्ट हम इसमें देखेंगे क्यूज सर्विसेज फॉर द मैसेजिंग पर्पज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नाउ कंप्यूट पार्ट प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग की बात करें तो जो आपकी हेल्प करने वाले हैं ई सी टू कंप्यूट इट्स वन ऑफ कंप्यूटर के केस में ई सी टू से स्टार्ट करेंगे अमेजन इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मशीन को तैयार करना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैक पे या लिनक्स की मीडियम कैसे तैयार करते हैं विंडोज़ की कंप्यूटर कैसे बनाते हैं वर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर हम उस पर अबाउट रेड हैट Ubuntu कैसे तैयार करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी बिन स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप वेब एप्लीकेशन सर्विसेज होस्ट करते हैं वेबसाइट होस्ट करते हैं बिल डिस्कस अबाउट द कंटेनर सर्विसेज बिल डिस्कस अबाउट केपेबिलिटीज़ लोड बैलेंसर क्या है लैमटॉप फंक्शन को किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं ये सभी पार्ट आपका कंसिडर किया जाएगा कंप्यूटर के केस में अगर आप ए डब्ल्यू एस के पोर्टल की बात करें तो यहाँ पर अपने पास ए डब्ल्यू एस पोर्टल है और अगर आप इसमें कंप्यूट टाइप करते हैं तो ये आपको डायरेक्टली उस पेज पर पे ले जाएगा जहाँ से आप सर्विसेज़ को मैनेज करते हैं सो कंप्यूट इज अ बेसिकली रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन इन्वायरमेंट आप देखिए यहाँ पे वी हैव अन नंबर ऑफ कंप्यूटर इन्वायमेंट जस्ट नीट टू क्लिक ऑन कंप्यूटर इन्वायरमेंट ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा रिलेटेड टू दूर रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन एंड अदर सर्विस एज अ लोड बैलेंसर एंड ऑल देन वील मूव अवर सेल्फ टू द डेटाबेस सो हाउ यू कैन स्टैब्लिश द डेटा बेस ओवर एज ई डब्ल्यू एस पोर्टल एरोरा डी डायनेमो डी बी आर डी एस रेड स्विफ्ट इनका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे इन केस ऑफ डेटा बेस देन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑटो स्केलिंग बैकअप क्लाउड फॉर्मेशन क्लाउड ट्रेल क्लाउड वॉच राइट माइग्रेशन एंड ट्रांसफर हाउ टू माइग्रेट द डेटा फ्रॉम ऑन प्रोमाइस टू क्लाउड हाउ टू माइग्रेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम ऑन प्रोमाइस टू क्लाउड नेटवर्किंग के केस में बी पी सी राउट फिफ्टी थ्री एक्सीटरेटर एंड ट्रांजेंट गेट वे बी पी सी पेयरिंग क्या होता है बी पी एन कैसे तैयार करते हैं इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे Now come to the security part. Security identity and compliance. In this case, we'll discuss about the IAM services, how we can configure the certificate for our website with the help of AWS so the ACM AWS Certificate Manager. We'll discuss about the directory services, guard duty, and n number of options can help you in case of security. SSO, WAF. these all are the part we will cover in case of security. स्टोरेज की बात करें तो वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द एसोसिएट जिसमें हम ई को मैनेज करना एस थ्री बकेट को मैनेज करना ग्लेशियर क्या होता है गेट क्या होता है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज अगर एग्जाम की बात करें अपने ईडब्ल्यू के केस में तो पहले थोड़ा सा आसान था क्योंकि आप डम्स में अगर प्रिपेयर करते हैं डम्स से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे बट इफ वी टॉक अबाउट करंट एग्जामिनेशन तो इसमें हैंड्स ऑन होना मस्त है मीन्स आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आना इम्पोर्टेंट है To clear the examination and to clear the interview as well, I'll help you how you can download the sample paper. So maine ek sample paper yahan pe download kar rakha hai तो कुछ इस तरीके से question आएंगे। अब आप, आप देखिए यहाँ पे जो question है, ये total related to the scenario based है। Means अगर आपने practical implement किया है, तब तो आपको पता होगा कि ये कैसे solve किया जाता है। मीन्स यू नो दैट अगर 300 सौ क्वेश्चन के डम्स की बात करें तो उसको तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इंटरेस्ट भी बनता है और एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प भी मिलेंगी तो गाइज दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू तो शेयर विद यू गाइज सो आई एम गोइंग टू गिव यू द न्यू सीरीज ऑफ ए डब्ल्यू सोलूशन आर्किटेक्ट एंड ये सीरीज बेसिकली सर्टिफिकेशन क्लियरेंस और ई डब्ल्यू एस की प्रॉपर प्रिप्रेशन के लिए रहेगी सो गाइज दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीजें ईडब्ल्यू एस सोल्यूशन आर्किटेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट कर सके थैंक यू गायज टेक केयर एंड बाय बाय एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर टीचमी क्लाउड यूट्यूब चैनल